सो हे गाइज, आज हम बात करेंगे Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro के बारे में। तो गाइज, यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है कि Redmi Note 7 आपका इस 28 फरवरी को इंडिया में लॉन्च देखने को मिल जाएगा एंड जल्दी इसकी सेल भी स्टार्ट होने वाली है। एंड आप सभी के लिए अभी एक और गुड न्यूज है, क्योंकि Flipkart पर यहाँ पर Redmi Note 7 को लिस्ट कर दिया गया है। एक पोस्टर यहाँ पर सामने निकल कर आ चुका है Redmi Note 7 का Flipkart पर। काफी सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई है, जो कि आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे क्या Redmi Note 7 के साथ आपको Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च देखने को मिलेगा इस 28 फरवरी को, एंड दोनों स्मार्टफोन्स की सेल आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगी। तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर गाइस, अगर मैं बात करूँ Redmi Note 7 की, तो Redmi Note 7 इस 28 फरवरी को आपको इंडिया में लॉन्च देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि Redmi Note 7 Pro भी उसके साथ देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो लॉन्च डेट के बारे में यहाँ पर बाद में बात करेंगे प्रो वर्जन की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल के लिए सामने निकल कर आई है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो Redmi Note 7 है उसको लिस्ट कर दिया गया है Flipkart पर। तो दोस्तों, Flipkart पर आपको बैनर देखने को मिल जाएगा, ऊपर ही आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप अभी Flipkart को यहां पर ओपन करोगे तो Flipkart पर आपको बैनर देखने को मिलेगा ब्लू में, एंड बड़ा सा यहां पर 7 भी मेंशन किया गया है। हैशटैग Redmi Note 7 लॉन्चिंग ऑन 28 February 12 noon, नोटिफाई मी। तो नोटिफाई मी का ऑप्शन गाइज अभी अवेलेबल यहां पर हो चुका है। गाइज, अगर आप इसे ओपन करके देखोगे तो 7 आपको बड़ा देखने को मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पर 16 सेकंड की एक वीडियो भी डाली गई है, आप उसे देख सकते हैं चलाकर। दोस्तों, यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स कुछ मेंशन किए गए, मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि कैमरास वगैरह से रिलेटेड है, नेक्स्ट लेवल कैमरा एक्सपीरियंस। तो गाइज, सभी को पता है कि Redmi Note 7 एंड Redmi Note 7 Pro में आपको कमाल का कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो यार, नेक्स्ट लेवल का कैमरा परफॉर्मेंस होने वाला है, इंडस्ट्री हाईएस्ट पिक्सल काउंट। तो यार, इसका जो कैमरा होने वाला 48 मेगापिक्सल का होने वाला है, तो यार तो ये कमाल का रहने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस, फ्लैगशिप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर गाइज, मैं आपको बता दूँ, अगर आप गेमिंग ज़्यादा प्ले करना चाहते हैं तो Redmi Note 7 ले लीजिए या फिर इसका प्रो वर्जन ले लीजिए, तो दोनों में ही कमाल की आपको गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, चाहे आप पबजी खेलिए, चाहे एसपेल्ट 9 खेलिए, या फिर कोई भी अदर गेम आप प्ले कीजिए। तो हाई ग्राफिक्स पर भी आपको लैक यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट, यहाँ पर डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया है, नेक्स्ट लेवल डिज़ाइन, ऑल न्यू ग्रेडियंट रिफ्लेक्टिव ग्लास डिज़ाइन। तो गाइज, Redmi Note 7 एंड इसके प्रो वर्जन में आपको ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जिसकी यार ड्यूरेबिलिटी काफ़ी कमाल की है, आपको प्लास्टिक डिज़ाइन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, एंड आपको 3D ग्रेडियंट कलर वाला बैक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो अब की बार गाइज, Redmi ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन किया है Redmi Note 5 Pro एंड Redmi Note 6 के मुकाबले Redmi Note 7 एंड इसके प्रो वर्जन में। तो यार, काफ़ी अच्छी बात है Xiaomi के लिए भी एंड कस्टमर्स के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, नेक्स्ट लेवल बैटरी परफॉर्मेंस। तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको कमाल की देखने को मिल जाएगी, डू मोर ऑन अ सिंगल चार्ज, 4000 mAh की बिग बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, प्लस में आपको क्विक चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कम ही टाइम में फुल बैटरी यहां पर चार्ज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया, नेक्स्ट लेवल ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी आपको यहां पर कमाल की देखने को मिलेगी, टफ अगेंस्ट स्क्रैच एंड ड्रॉप्स। तो गाइज, यहाँ पर आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलने वाले Note 7 एंड Note 7 Pro में। एंड अगर हम बात करूँ, अगर आपका फ़ोन गिर जाता है तो उसमें भी आपका ब्रेक नहीं होने वाला है। नॉर्मल चांसेस में अगर आप इसे तोड़ना ही चाहते हैं तो यार फिर तो कोई भी फ़ोन टूट जाएगा, चाहे वो Gorilla Glass 6 का हो। तो यार, कमाल का ये फ़ोन रहने वाला है, गिरने वगैरह से ज़्यादा कुछ इसको फ़र्क नहीं कर पड़ने वाला है, क्योंकि Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है दोनों ही स्मार्टफोन्स में। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन, स्प्लैश प्रोटेक्शन। तो गाइज, अब की बार यहाँ पर Redmi Note 7 एंड इसके प्रो वर्जन में आपको थोड़ा बहुत वाटर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, बारिश वगैरह में ये फ़ोन आपका ख़राब नहीं होने वाला है। एंड अगर आपके फ़ोन पर एकदम से पानी वगैरह गिर जाता है और आप यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका फ़ोन ख़राब नहीं होने वाला। तो दोस्तों, कमाल का ये फ़ोन रहने वाला है, इतना जल्दी टूटेगा भी नहीं, डिज़ाइन भी बढ़िया, कैमरा भी बढ़िया, परफॉर्मेंस बढ़िया है, कम प्राइस में आपको फ़ोन देखने को मिलेगा। तो यार, और क्या चाहिए। तो सभी को वेट है 28 तारीख का कि Redmi Note 7 कब लॉन्च होगा एंड इसके साथ क्या प्रो वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। गाइस, जहाँ तक मेरा मानना है, इसके साथ प्रो वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा 28 फरवरी को। बाकी गाइस, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, तो ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर से आप उसे देख लीजिए।
लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर अभी लीक्स आई है कि Redmi Note 7 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रो वर्जन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। गाइज अगर आप इसके 7 को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो कि Xiaomi की तरफ से दिखाया गया था, तो उसमें आपको जूम करके देखोगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इससे यहाँ पर लगता है कि प्रो वर्जन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हो सकता है। तो अगर आपको जाना है इसके बारे में डिटेल में, तो वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में, तो उस वीडियो को आप यहाँ पर देख लीजिए। और दोस्तों मैं बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी M30 भी आने वाला है इस 27 फरवरी को। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर मार्केट में तहलका मचाता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से मुझे बताइए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।